हेलो दोस्तों, 28 नवंबर आ जाए और इंडिया ऑस्ट्रेलिया का तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच आज गुवाहाटी के वर्षापारा स्टेडियम में खेला जाएगा, क्योंकि पिछला दो मैच इंडिया जीत चुका है तो ये सीरीज में 2-0 से बढ़त हासिल कर चुका है। अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार जाता है आज तीसरा मैच, तो ये सीरीज से बाहर हो जाएगा और इंडिया के सीरीज पर कब्जा हो जाएगा। अगर इंडिया इस सीरीज को कब्जा करता है तो फिर वर्ल्ड कप के हार का थोड़ा बदला लिया जा सकेगा। वैसे पिछले जितने भी मैच हुए यहाँ पे इंटरनेशनल में T20 उसके रिकॉर्ड देखें तो पिछला 2017 में जो मैच हुआ था पहला T20, उसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया से 8 विकेट से हार गया था। उसके बाद एक मैच हुआ था श्रीलंका और इंडिया का, और बिन नतीजा रहा, खेल ही नहीं गया था तो उसको काउंट नहीं किए गए। और तीसरा मैच जो हुआ था 2017 में करीब, उसमें साउथ अफ्रीका और इंडिया का, तो उसमें साउथ अफ्रीका को इंडिया ने 16 रनों से हराया था और इसमें सूर्य कुमार यादव चमके थे क्योंकि उन्होंने 22 गेंदों पर 61 रन बनाए थे, 5 छक्के जड़े थे इसमें। और मैं आज फिर यही सूर्य कुमार यादव से उम्मीद करता हूँ कि आज इस ग्राउंड पे उनको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस होगा इस ग्राउंड का, तो वो आज फिर ये अपना उसी से जोश दम दिखाएंगे और वो फिर करीब 65-70 रन बनाएंगे इस मैच में। और रिंकू सिंह जो हमारे जल्लाद भाई बॉलर होंगे, वो जल्लाद है क्योंकि हमारे फेवरेट प्लेयर हैं रिंकू सिंह T20 के खास करके, और अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, ज़बरदस्त हिटिंग करते हैं, वो बाउंड्री फिनिश करते हैं धोनी की तरह, विराट कोहली की तरह। तो आज हम यही उम्मीद करते हैं, प्रेडिक्शन यही है हमारा कि रिंकू सिंह और ये सूर्य कुमार यादव अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और इंडिया को आज ये मैच जिताएंगे। खास करके इस ग्राउंड की बात करें तो ये ग्राउंड जो है पिछला जो रिकॉर्ड है, शाम को जो मैच होने वाले हैं यहाँ पे ड्यूओस काफ़ी गिरेगी और इससे बॉलरों को काफ़ी दिक्कत आने वाली है और बैट्समैन यहाँ पर इसका फ़ायदा उठाएंगे और एक हाई स्कोरिंग दोनों तरफ से मैच देखने को मिल सकता है। अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो इंडिया एक हाई स्कोरिंग तरफ 230, 225 या 240-245 की तरफ जा सकता है इंडिया। और हमारे यंग प्लेयर जो हैं वो पिछले मैच में भी अच्छा सब खेले थे, आज भी खेलेंगे, और ऑस्ट्रेलिया के भी लोग अच्छा बैटिंग कर रहे हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे एक हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है और मैच आज बहुत ही इंटरेस्टेड होगा क्योंकि ये तीसरा मैच है ऑस्ट्रेलिया के लिए, डू एंड डाई वाली है। अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार जाता है तो फिर सीरीज से बाहर हो जाएगा। तो इंडिया की तो भाई पहले से बल्ले बल्ले, वो 2-0 से आगे है और ये तीसरा मैच अगर जीतता है तो मैच फिनिश हो जाएगा यहाँ पे। तो आज हम यही उम्मीद करते हैं कि देखो इंडिया आज मैच जीते और ये वर्ल्ड कप का जो हार ऑस्ट्रेलिया से हुई तो उसका कुछ बदला लिया जा सके। देखते हैं शाम को 7 बजे के बाद क्या होता है, उसके बाद हम दूसरी कमेंट्री करेंगे। उसके बाद हमारी वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को हमारे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।